सब्सक्राइब कीजिए बंसल न्यूज इंटरनेशनल और दबाइए बेल आइकन हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। ये है बंसल न्यूज इंटरनेशनल और आप देख रहे हैं BNI12.com। खबरों में जान, हमारी पहचान। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा इलाका चित्रकूट पानी की कमी व डकैतों की अधिकता के लिए जाना जाता है। 3 दशक से भी ज्यादा समय से डकैत ही यहाँ के सियासी समीकरण तय करते आए हैं। कई कई बार सांसद, विधायक और मंत्री रहे माननीयों पर दस्यु संरक्षण के मुकदमे दर्ज होना इस बात के जीते जागते प्रमाण हैं। चित्रकूट के ये माननीय जब तब सार्वजनिक मंचों से खुद भी एक दूसरे पर डाकुओं के सहारे विधानसभा और लोकसभा पहुंचने के आरोप लगाते सुने जा सकते हैं। ददुआ के ऊपर सेहरा बांधा गया, ददुआ ने सांसद जी को जिताया, पूरा सेहरा बांधा है, पूरा उनके ऊपर पूरा तो बंधा। उन्होंने अभी कहा बीच में, सांसद जी ने भी, कि मैंने अपना बयान पूरा कर दिया जिला पंचायत का अध्यक्ष बना करके। तो दोनों का उसमें कोई छूटा थोड़ी है। कौन ऐसा नेता है जो ददुआ का फायदा नहीं लिया है चित्रकूट जनपद में? हर आदमी ने जो चित्रकूट कर्मी मानिकपुर से चुनाव लड़ा है, हर आदमी ने राजनीतिक लाभ ददुआ के रहते उन्होंने लिया है। आज कुछ भी लोग बोले, श्यामा चरण को सांसद बनाने का काम हम लोगों ने और गैंग ने किया था, सांसद बनाने का काम आर के पटेल को किया। आर के पटेल ये चीज भूल गए, बहुजन समाज पार्टी की नेता ने इनको किक मार के बाहर किया था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनको जब समाजवादी में शामिल किया था, तो ददुआ की देन है। इसने गैंग का प्रयोग करके अपना दल नेताओं के ऊपर क्षेत्र में हमला करवाया। हमला करवाने के बाद पूरे क्षेत्र में गर्माहट हुई, फायदा करा के फिर जब इसका माया तुमने टिकट काट दिया 2007 में, ददुआ ने उसको सपा पार्टी में शामिल कराया और टिकट दिलाया 9 घंटे के अंदर। और जब हम लोग उसको रिसीव करने गए हनुमान मंदिर के पास, तो कह रहा था, कह रहे नेता जी मैं भैया को तो जिंदगी भर आभार भी रहूंगा, ऋणी रहूंगा, जिन्होंने उसको जमीन में नहीं गिरने दिया और ऊपर ही लोग दिया, मेरे मिट्टी नहीं लगी, मैं चुनाव भले हार जाऊं लेकिन अगर मुझे टिकट ना मिलता तो मेरा जीवन खत्म हो जाता, मैं मर जाता। और वीर सिंह के बारे में कहा जाता है, वीर सिंह क्या है? वीर सिंह में दूध का धोया जाता है। मैं पूर्वजों के ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ। महात्मा गांधी की औलाद तो महात्मा गांधी नहीं बन पाई, ददुआ के परिवार से ऋण आपका खत्म हो गया कि नहीं? गया, खत्म हो गया, ऋण खत्म हो गया। नहीं, आपने कहा था कि आपका खून का एक कतरा उसका ऋणी है, उस विषय में बात करने से कोई फायदा नहीं है, सब कोई ऋणी है, जिसको उसने जिताया, जिसने उसको हराया। आपको तो एहसान मंद होना चाहिए श्यामा चरण जी को, कि जिस परिवार के बदौलत आपके हल्दी लगी थी, नहीं आना चाहिए लोकसभा में यहाँ। आप इलाहाबाद थे, इलाहाबाद लड़ना चाहिए था। हमारा ऋण है श्यामा चरण के ऊपर, हमारा ऋण है श्यामा चरण के ऊपर, ये आम जनता जानती है चित्रकूट बांदा की, कि किसका ऋण है श्यामा चरण के ऊपर। बसपा की सरकार रही हो तब उनके जनप्रतिनिधियों डकैतों को पनाह दिया, और चाहे आज जो है सपा की गवर्नमेंट है, पूर्णतः है वो लोग जो है डकैतों की ही के मतलब बिहाब पे ही अपनी सत्ता चला रहे हैं। पिछले 15 वर्षों से परिस्थितियों में थोड़ा बदलाव आया है और डकैत अपनी बिरादरी या अपने चहेतों के बजाय अपने परिवारिक जनों को सत्ता के गलियारों में पहुंचाना पसंद करने लगे हैं। ददुआ के पुत्र वीर सिंह का निर्विरोध चित्रकूट जिला पंचायत का अध्यक्ष चुना जाना और सन 2012 में समाजवादी पार्टी से सदर विधायक बनना इसका प्रमाण है। ददुआ के भाई बाल कुमार भी सन 2009 में मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी के सांसद रह चुके हैं, और ददुआ का भतीजा राम सिंह प्रतापगढ़ जिले की पट्टी विधानसभा से विधायक रहा है। 17वीं लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में चित्रकूट बांदा संसदीय क्षेत्र के मतदाता आगामी 6 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपना नया रहनुमा चुनेंगे। लोकसभा की इस सीट से भाजपा, कांग्रेस और सपा बसपा गठबंधन ने जिन प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है, वह तीनों ही समाजवादी पार्टी से सांसद रह चुके हैं। एक दूसरे के तर्कश के तीरों और एक दूसरे के दांव से भली भांति परिचित ये तीनों ही उम्मीदवार डकैत ददुआ के काफी करीबी रहे हैं और उसी की कृपा से चुनाव जीतते रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी बाल कुमार पटेल तो ददुआ के सगे भाई ही हैं। ददुआ द्वारा आयोजित भंडारे रहे हों या फिर उसके दाहिने हाथ रहे डकैत राधे के लड़के की शादी, ये बहुत शान से उन कार्यक्रमों में शामिल होते थे और डकैतों से खुद के रोटी बेटी के संबंधों का हवाला भी दिया करते थे। हमा बाबा आए, हमा बाप आवा, अब हम आए
दोनों नए आए हैं का यह गांव में यह जमुना पार में मोए बाबा के ससुरार मोए बाप के ससुरार अब मोए ससुरार मोए भाई के ससुरार अब नए नए रोज हुआ जाते कहाँ कही हो तुम है नई बात हो या है जमुना पार हम। अरे आज मोए पास दुई दर्जन ने उतार है और जौने में से छाठो तो पूर के आए सतरे में नंबर लगाए हैं ना सकाए बार भय में कम से कम एक दर्जन पूर कर रही हूँ। ये हरीश चंद बाबा है एक भतीजी आए वहाँ का ब्याह हुआ था वही के नेवते में मैं आए हूँ ये दुल्हा बैठ है सब में दिखात है अब बताओ तो कि बाबा ब्याह बाप ब्याह मैं ब्याह मैं भाई ब्याह जाते अब क्या बताऊँ। आर के पटेल की चिट्ठी आई कि आपको बड़ा चलना है हम जाने थे कि आर के पटेल के भाई की ब्याह होते है आर के पटेल विधायक करवी के भाई की ब्याह होते है हम बनेतम चले जाए हमें क्या मालूम कि हरिचंद क्या की कर जाए हमें तो जानी थी आप चाहते क्या हैं आर के पटेल विधायक करवी उन्होंने निमंत्रण दिया और कहा कि चलिए आप मैं चला आया। हमारा नाम है राम सेवक सिंह पूर्व विधायक बारा और हम तीन बार रहे बीएसपी से रहे मायावती वाली से। कभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे रहे ये तीनों शुरमा अब की एक दूसरे के खिलाफ जो राजमाइश कर रहे हैं। विजय श्री किसका वरण करेगी यह तो समय ही बताएगा लेकिन इतना तय है कि यह चुनाव चित्रकूट में एक नया इतिहास जरूर लिखेगा।